व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। मेरी एक बात सुनो, देखो मूवी है ना, मूवी किसी नेता से नहीं चलती है, मूवी किसी बजरंग दल वालों से नहीं चलती है, मूवी पॉलिटिक्स करने से नहीं चलती है। मूवी चलाने के लिए ना ऑडियंस, जनता जनार्दन का जरूरत होता है। जनता जनार्दन, ऑडियंस, पब्लिक, आम आदमी, ये सब लोग अगर टिकट कटा के मूवी देखने के लिए जाएंगे तो आपका मूवी ब्लॉकबस्टर होगा। आप कितना भी पॉलिटिक्स कर लो मूवी के ऊपर, आप कितना भी न्यूज़ चैनल पे फसाद चला लो, हमारे भगवान का मजाक उड़ा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, वो सब साइड पे रह जाएगा अगर पब्लिक का सपोर्ट मिल गया तो। क्योंकि भाई आज के टाइम पे सबको पता है मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे सबको पता है मीडिया वाले किस तरीके से चलते हैं। वो बेचारे जो मीडिया वाले जो पुराने थे ना, वो आजकल यूट्यूब चैनल खोल के बैठे, क्योंकि भाई मीडिया वालों को लोग बोलने ही नहीं देते कि सच्चाई तो बोलना ही नहीं देते। तो भाई मीडिया वालों से पहले तो भरोसा है ही नहीं अपन को। और दूसरा, जो ये भगवान और हिंदू मुस्लिम के नाम पे, रामायण के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे जो पॉलिटिक्स करते ना, वो कौन होंगे? वो बजरंग दल वाले वगैरह 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 वगैरह, और कोई भी नहीं है, ठीक है? तो उनके ऊपर भी आजकल पब्लिक भरोसा करती नहीं है। अब देखो ये लोगों ने आदि पुरुष का इतना जबरदस्त तरीके का ये लोगों ने भाई प्रमोशन किए हैं, इधर जाओ उधर जाओ, आदि पुरुष, रामायण, प्रभास, ओम रावत, सैफ अली खान, ये खिलजी वगैरह, ऐसा प्रमोशन किए ना, वो 10 साल के बच्चे से लेके ना 100 साल के बूढ़े तक को पता चला कि भाई प्रभास का आदि पुरुष नाम का मूवी आ रहा है, मैं गारंटी देता हूँ। और आज के टाइम पे आदि पुरुष से बड़ा मूवी कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि आदि पुरुष का क्रेज सबसे ज्यादा मैं आज मान रहा हूं। क्योंकि भाई भले वो मूवी चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, बट आज के टाइम पे एक मूवी है ना जिसके बारे में सबको पता है, घर घर में पता है कि ये मूवी आने वाला है, उस मूवी का नाम है आदि पुरुष। क्योंकि आप सोशल मीडिया से लेके पॉलिटिक्स वाली दुनिया ले लो, पॉलिटिक्स की दुनिया से लेके चुतिया वाली दुनिया ले लो, चुतिया वाली दुनिया से लेके कोई सी भी दुनिया ले लो, अखबार ले लो, न्यूज चैनल ले लो, यूट्यूब ले लो, ट्विटर ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, कोई बकचोदी चैनल लो, कोई भी ले लो, आदि पुरुष का बात हुआ है। एंड आदि पुरुष का ऐसा प्रमोशन की वजह से ना दो ही चीज हो सकती है, कहा तो आदि पुरुष ना इतना पैसा कमाएगी कि सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, सिर्फ इंडिया से 1500-2000 करोड़ कमा के लिए आएगी, वर्ल्ड वाइड 3000-4000 करोड़ हो जाएगा, या तो फिर ये मूवी ऐसी फ्लॉप होगी ना इनका बजट निकालना भारी पड़ जाएगा। दो ही चीज होगा, अब क्या होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं यार, देखो मूवी अब इसका टीजर जो आना था वो आ गया। अब अगर आप लोग बोलो कि इसके अंदर चेंज होगा, चेंज हो नहीं सकता। अब देखो दो महीने के अंदर आप लोग ना ही प्रभास का लुक चेंज कर सकते हो, ना ही वो खिलजी के चेहरे पे, मेरा मतलब खिलजी के टकले पे बाल उगा सकते हो, सैफ अली खान के बाल आ सकते हैं, ना ही हनुमान जी का कुछ गेटअप चेंज हो सकता है, ना ही वानर सेना है वो सही से हो सकती है। हाँ VFX इंप्रूव हो सकता है, एंड VFX से तो घंटा ऐसा कोई को प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है कैरेक्टर के लुक से, तो ये सब तो सही होने से रहा। अब आप मूवी अगर पोस्टपोन करते हो, आप बोलते हो मूवी पोस्टपोन करके हम सही करेंगे, तो आपको पूरी का पूरा मूवी फिर से शूट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपके कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, VFX में नहीं। तो उसके लिए और 500-600 करोड़ का खर्चा हो जाएगा, तो अगर 500-600 करोड़ का खर्चा होगा तो 600 करोड़ की मूवी का 1200-1300 करोड़ बजट हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम निकला तो मूवी का बायकॉट हो जाएगा, तो भाई यहां पर 600 करोड़ से ज्यादा ना 1100-1200 करोड़ का लॉस चला जाएगा। तो मैं तो बोलूंगा 600 करोड़ का लॉस खा लो, 1100-1200 करोड़ का लॉस क्यों खाना, ठीक है? पहली बात। अब दूसरी बात, अगर आप लोग बोलते हो कि भाई मूवी को भाई बैंड कर दो, तो ये तो होने से रहा, मूवी बैंड होगा नहीं, क्योंकि भाई बिजनेस है, अब बिजनेस में पैसा लगता है और पैसा सबसे बड़ी चीज है, तो बैंड तो कहीं से भी होगा नहीं, इधर उधर दे दो, मूवी रिलीज हो जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये तो मूवी कभी सुपर डुपर हो जाएगा या फिर ब्लॉकबस्टर हो जाएगा या फिर फ्लॉप हो जाएगा, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, देखो टीजर के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था आज से 12 दिन पहले, कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ, जबरदस्त कॉन्ट्रोवर्सी हुआ। आज के टाइम पे थोड़ा सा माहौल ठंडा है, ओम राव सर चैन की सांस ले रहे, ठीक है? वैसे ही ट्रेलर जब आएगा ना तो फिर से बायकॉट होगा, फिर से ये होगा वो होगा, तो मैं तो बोलूंगा ट्रेलर जल्दी से जल्दी रिलीज करो, जल्दी से जल्दी अगले महीने स्टार्टिंग में रिलीज कर दो ट्रेलर का, फिर एंडिंग में रिलीज कर दो, उसके बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना लोग जबरदस्त तरीके का बायकॉट चलाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे, फिर मूवी रिलीज होने दो, फिर मूवी रिलीज होगा फिर बकचोदी करेंगे, फिर बाद में शांत हो जाएंगे, फिर मूवी चलेगा, तो भाई वो तो आप भगवान के हाथ में क्या होगा। बट देखो मैं आपको गारंटी देता हूं, मुझे अंदर से फील आ रहा है कि मूवी चलेगा, और ऐसा चलेगा ना कि भाई पब्लिक देखती रह जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई देखो प्रभास के साथ एक चीज है ना, प्रभास के साथ एक चीज ये है कि भाई वो पैन इंडिया सुपरस्टार है। अब उसके अंदर है ना, देखो प्रभास के अंदर एक और चीज हो जाती है, उसकी जितने भी फैन फॉलोइंग है ना वो यंग है, वो आज की एज की है, ठीक है? या जितने भी है ना, आप देखो प्रभास की जो फैन फॉलोइंग है, मेरे बाप दादा को नहीं पता प्रभास कौन है, बट मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं, मेरे जो छोटे भाई लोग हैं, उनको पता है प्रभास कौन है, मींस के यंग जनरेशन, तो यंग जनरेशन को इतना कोई फर्क पड़ता नहीं, वो एज अ एंटरटेनमेंट हर चीज को लेते, तो मुझे लगता है प्रभास का मूवी है ना निकल जाएगा और जबरदस्त तरीके का निकलेगा। एंड मैंने बोला ना कि भाई ये मूवी का तो फ्लॉप हो सकता है, सुपर डुपर हिट हो सकता है, मुझे लगता है मूवी सुपर डुपर हिट होने जा रहा है, एंड गारंटेड ये सिर्फ इंडिया से अच्छा खासा कलेक्शन लेके आएगा, क्योंकि आप कितना भी पॉलिटिक्स कर लो अगर जनता चाहे कि मेरे को मूवी देखने जाना है ना, तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसा मैं गारंटी देता हूं, उनको कोई भी नहीं रोक पाएगा, फिर भाई वो कोई भी मूवी देखने के लिए जाए। अब सबसे बड़ा गलती तो आप लोग है कि आप लोग ऐसी मूवी बनाने की परमिशन नहीं क्यों देते हो कि भाई हमारा जो इतिहास है, हमारा जो भगवान लोग है, उन पर मूवी हम बनाने की इजाजत क्यों देते हो? अब जब बना रहे हो तो बायकॉट कर रहे हो, एंड चलो जो भी हुआ चलो ठीक है। अब ये पूरे के पूरा बिजनेस स्ट्रेटेजी
एंड ये मूवी तो गारंटेड रिलीज होने वाला है। अब ये तो भाई प्रभास का फ्यूचर ही डिसाइड करेगा, मेरा मतलब प्रभास का जो बोलते ना वो धूम केतु बोलते ना क्या बोलते उसको जो भी है यार कुंडली, प्रभास का कुंडली डिसाइड करेगा इस मूवी का क्या होगा। एंड मैं तो बोलूंगा ट्रेलर जल्दी से जल्दी रिलीज करो, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी होगा होने तो फिर माहौल सांधो का मूवी रिलीज करो, फिर कॉन्ट्रोवर्सी होगा फिर होने दो, फिर माहौल ठंडा होगा फिर मूवी चलेगा। बट मैं गारंटी दे रहा हूँ ये मूवी डेफिनेटली चलने वाला है, क्योंकि भाई ये साउथ से भी कलेक्शन लेके आएगा, ये हिंदी से भी कलेक्शन लेके आएगा और ये वर्ल्ड वाइड भी कलेक्शन लेके आएगा। एंड ये मूवी जिस तरीके का मेरे को दिख रहा है ना ये भाई बाहर से ज्यादा कलेक्शन लेके आएगा, मीन्स के इंडिया से बाहर से। इसका ओवरसीज कलेक्शन आप देखना, जैसे कि नेपाल हो गया, यूएसए हो गया, वहां से भी भाई भर के कलेक्शन लेके आएगा, ओवरसीज में भी ये धूम मचाने वाला, ऐसा मेरे को लगता है। देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, मूवी रिलीज कर दो एंड अभी रिलीज कर दो, मेरा मतलब है ट्रेलर रिलीज कर दो, नहीं मेरा मतलब है टीजर रिलीज हुआ है ना वैसे ही माहौल ठंडा हुआ है, अभी माहौल ठंडा है वैसे ही ट्रेलर रिलीज करो फिर माहौल ठंडा हो जाएगा, फिर मूवी रिलीज करो फिर माहौल ठंडा हो जाएगा और ये मूवी चलेगा गारंटी चलेगा। आप अपना ओपिनियन है ना प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बक के जाना, मेरा मतलब है बोल के जाना ये मूवी फ्लॉप होगा या फिर सुपर डुपर हिट होगा एंड कितना कलेक्शन करेगा। मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा, मेरा गट फीलिंग है ना यही कह रहा है कि ये मूवी जबरदस्त तरीके का ब्लॉकबस्टर होने वाला है एंड ऐसा ब्लॉकबस्टर होने वाला है ना कि ये जो लाइक कुछ लोग हैं जो कि भाई बकचोदी कर रहे हैं, ठीक है कुछ भी यार एक्स वाई जेड जो भाई पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस मूवी के साथ, वो लोगों की वाट लगने वाला है और आप FIR करा लो या फिर कुछ भी करा लो, ये मूवी मुझे लगता है डेफिनेटली चलेगा एंड आराम से इंडिया से 1000 करोड़ का कलेक्शन सारे के सारे लैंग्वेज में मिला के तो मारने वाला है, इसको कोई नहीं रोकने वाला है। रिस मिलते किसी और वीडियो में, भाई जो अपना जो आपका जो ओपिनियन है ना कि भाई ये मूवी सुपर डुपर हिट होगा फ्लॉप होगा भाई ब्लॉकबस्टर होगा डबल ब्लॉकबस्टर होगा कितना कलेक्शन आएगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए